सबके सब भाग गए। पता नहीं अपने आप को इतना होशियार क्यों समझते हैं। माधव ही बताएगा अब इन सबको। तो ये वाला क्यों दे रही है? ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। ये बर्तन वाली को क्यों दे रही हूँ? बहुत मोटी हूँ, उसे नहीं आएगा। अरे बर्तन वाली को नहीं दे रही हूँ, मेरा सामान भर रही हूँ। तो नारायण काका के साथ हवेली जा रही है। हवेली मतलब माधव के पास? हाँ, अपने दोस्त माधव के पास। सच में नारायण काका, मैंने तो बाहर बच्चों से ऐसे ही बोल दिया कि मैं आपके साथ आ रही हूँ, लेकिन मैं तो सच में जा रही हूँ। कितना मजा आएगा ना, मैं और माधव ना पहले की तरह पिट्ठू खेलेंगे, तालाब के किनारे जाएंगे, मछली पकड़ेंगे, फिर उन्हें वापस पानी में छोड़ देंगे। कितना मजा आएगा। लेकिन दादी, आप ना मुझे इस बात बिल्कुल नहीं रोकेंगी। हाँ, अरे तुझे जितना खेलना है ना अपने दोस्त माधव के साथ खेल लेना, मैं कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं वहाँ होगी नहीं। मतलब आप नहीं जाओगी? तू अकेली जा रही है नारायण काका के साथ। दादी मैं और अकेले, आपको और गांव वालों का ना मेरे बिना कोई काम नहीं होने वाला। अगर मैं चली गई ना तो सबकी सांसें अटक जाएंगी, देख लेना। वो तो मैं हूँ जो आप सबके लिए चीनी चाय पत्ती ये वो सारा सामान ले आती हूँ। अगर मैं नहीं होंगी ना तो कोई नहीं आएगा आपकी मदद करने के लिए, फिर आपको मेरी याद आएगी, है ना काका? तेरा जाना बहुत जरूरी है, तो अपना सामान समेट ले। नहीं दादी, बोल दिया ना आपके बिना कहीं नहीं जाऊंगी। काका नहीं जाना मुझे माधव के पास, दादी के बिना तो बिल्कुल नहीं जाना। सबसे पहले दादी है, उसके बाद माधव। लोग कहते हैं कि उन्हें इस घर में डर लगता है, तुम यहीं गई हो, इस एहसास से घबराते हैं लोग। मैं जानता हूं तुम कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करोगे, लेकिन फिर भी इस घर की खुशी के लिए, तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए विधि अनुसार मुझे तुम्हारी इस आखिरी निशानी का विसर्जन करना ही होगा। तुम हम सबके साथ नहीं हो, लेकिन तुम हम सबके दिल में हो चित्र, और मैं ये विसर्जन किसी मजबूरी में आकर नहीं कर रहा, तुम्हारे प्यार के लिए, इस परिवार के प्यार के लिए कर रहा हूं। मैं तुम्हें अपने आप से अलग करने की गलती कभी नहीं कर सकता। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं ले सकता तुम्हारी जगह। बेटा, अगर तू जा रही है तो मैं भी कुछ दिनों के लिए गांव से सुमित्रा और तुलसी को लेके चारधाम यात्रा करके आऊंगी। तो अपने माधव से मिल लेना, मैं अपनी चारधाम यात्रा निपटाऊंगी। नारायण, अब तू ही देख लेना कि माधव का क्या करना है। ये तो तेरे साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। अब तू जाने और तेरा बेटा माधव, उसका ख्याल कैसे रखना है, किससे रखना है। अरे दोस्त हुआ तो क्या हुआ, वो दुखी है तो तू जाने और तेरा बेटा। दुखी है माधव? हाँ वे रही बेटा, वो बहुत परेशान है। पर वो
वो तो इतनी बड़ी हवेली में रहता है, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां उसके पास, फिर वो क्यों दुखी है? तू ही चलकर देख ले, आजकल कुछ ज्यादा ही परेशान रहने लगा है, बिल्कुल बात नहीं करता। मैंने सोचा तेरी और उसकी तो पक्की दोस्ती है, तू संभाल लेगी उसे, तेरी तो हमेशा से सुनता आया ना, वो मदद करेगी अपने दोस्त की, चलेगी मेरे साथ अपने माधव के पास। वैसे काका बात तो आपने बिल्कुल सही कही, सुनता तो वो मेरी हमेशा से, और मेरे बिना उसका काम भी नहीं चलता, और मैं तो उसके सारे काम करती थी ना बचपन में, उसके जूते के लेस बांधती थी, उसके बालों को सेट करती थी थूक लगाकर, उसे सब याद आता होगा ना बेचारा, इसीलिए वो परेशान होगा, पर कोई बात नहीं, अब मैं जा रही हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा। और दादी तो बड़ी है ना, वो संभाल लेंगी कुछ दिन, मैं माधव को संभाल के आती हूँ। वैसे भी किसी को दिखे अल्लाह, किसी को दिखता रब, मुझे दिखे मेरा दोस्त जिसका नाम है माधव। काका आप कह दीजिए उसे, आ रही है उसकी बाबरी पूछ। अरे वो तो मेरी माँ नहीं मानती, लेकिन अब मैं उनकी सुनूंगा भी नहीं। संग्राम जी को बताना होगा कि मैंने सच में उस कमरे में कुछ देखा था। संग्राम जी, मन तो करता है ना साले का हाथ पांव तोड़ मरोड़ के ना किसी नाले में फेंक दूं। अब कैसे भी करके मेरा काम जल्दी कर, पर उससे पहले तेरा काम कर दूंगा मैं, समझा? सुन, तेरे घर वालों ने शायद तुझे समझाया नहीं होगा कि पति जब किसी जरूरी काम में बिजी हो ना तो पत्नी को आसपास भी नहीं भटकना चाहिए, याद रखना, वरना दोबारा तुझे ये याद दिला दूंगा मैं। तुम्हें पता है तुम में खास बात क्या है, तुम में किसी में बुराई नजर नहीं आती, लेकिन आजकल के जमाने में लोग इसे बेवकूफी समझते हैं, लेकिन यही तुम्हारी ताकत है, तुम में जो बेशुमार प्यार है ना, यही इंसानियत को बांध के रखेगा, इसे कभी खोने मत देना। पर आए घर जा रही हूँ, वहाँ की रीत बात का ख्याल रखना, और एक बात हमेशा याद रखना, हर इंसान को अपने हिस्से का प्यार मिल ही जाता है, बस इंसानियत बनाए रखो। अब तक हम तीनों थे घर में, मैं तो तीर्थ यात्रा जा रही हूँ, तुम जा रही हो हवेली, ये तुम्हारे साथ जाएंगे। चलिए गणपति बाप्पा। की याद आ रही है? हाँ, उनके हाथ के बने लड्डू के बारे में सोच रही थी, मैं तो यहाँ आ गई आपके साथ, वो रह लेंगी क्या अकेले, एक तो वो कुछ कर भी नहीं पाती है हमारे बिना। तू चिंता मत कर, मैंने दो चार नौकरों को बुलवा लिया है, वो दादी के साथ में रहेंगे और चार धाम में साथ में जाएंगे भी। वो छोड़, तुझे पता है माधव इतना उदास क्यों है, क्यों उसे अपनी इस बावरी बुच्छ अपने इस दोस्त की इतनी जरूरत है? क्यों काका? ओ शाद है
शांति सर्वदेव शांति ओम श्याम शांति ओम शांति शांति शांति। आ गया, अब देख आज तेरे शरीर से तेरी जान निकलेगी। आज मैं माँ को साबित करके रहूंगा कि उनका सगा बेटा यानी मैं उनके सौतेले बेटे से कितना ज्यादा तेज और चालाक है। जजमान, चित्रा दीदी के जाने के बाद तो वो बहुत परेशान रहता होगा ना। हम भी बावरी पूछे, हमें अपने दोस्त के पास पहले चले जाना चाहिए था। काका, आप ना जल्दी से हमें हमारे दोस्त के पास ले जाइए, अब हम उसे और परेशान नहीं होने देंगे। यजमान, अब आप खड़े हो जाइए। कलश की अस्थियों को विसर्जित करके चित्रा बेटा की आत्मा को मुक्ति प्रदान कीजिए। मुझे पता है वो ना अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखता होगा, ना ठीक से खाता होगा ना पीता होगा, बस हर वक्त चित्रा दीदी की अस्थियों को पास लेकर रहता होगा, जैसे बचपन में हमारी हर चीज का संभाल के रखता था। हेलो हेलो बाबूजी, कहाँ हैं आप? वो आज चित्रा भाभी की अस्थियों का विसर्जन है ना। क्या उखर के पास वाले मंदिर में? ये लो बेटी वैदेही, तेरी तपस्या यही खत्म हो गई। माधव यही रास्ते में मंदिर पड़ता है, वहाँ है। अच्छा, पहले तो वो मंदिर के नाम से बहुत चिढ़ता था। उसे पता चल गया ना कि हम आ रहे हैं, इसलिए वो मंदिर गया होगा। वैसे भी हमें मंदिर जाना बहुत अच्छा लगता है ना काका? वह चित्रा बहू की अस्थियां विसर्जित कर रहा है, उसी की पूजा है। ड्राइवर। हाँ सर। पोखर के पास वाले मंदिर की तरफ ले चलिए। जी सर। अरे सासू माँ, मुबारक हो। एक्टिंग की आपने, मतलब मजा आ गया। आप मुझे पैसे दे दीजिए पिक्चर बनाने के लिए। कमीनी माँ, मतलब सासू माँ का रोल दूंगा आपको। बहुत बढ़िया। वैसे आप जो चाहती थी ना वो हो गया। वैसे माधव भैया मानेंगे शादी के लिए?
किसी को दिखे अल्लाह, किसी को दिखता रब, मुझे दिखे मेरा दोस्त जिसका नाम है माधव। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? क्या किया तुमने? मेरी चित्रा का अस्थि कलश गिरा दिया, ठीक से विसर्जन भी नहीं कर पाया मैं। कर दे दोस्त, लेकिन उठा तो दे। तुझे पतंग उड़ाने का बहुत शौक है ना, मैं तेरे लिए तो पतंग निकालने चढ़ी थी, मदद तो की नहीं, अब मैं नहीं उठूंगी, तुझे ही उठाना पड़ेगा। और अगर मैंने नहीं उठाया तो क्या नीचे ही बैठी रहेगी? अगले जन्म तक यही रहूंगी, ये पेड़ रहे ना रहे पर मैं तो यही रहूंगी। यार तू इतनी जिद्दी और पागल क्यों है? इसलिए तो तेरे का बावली बूझ बुलाता हूँ। ला हाथ दे यार। नहीं। अरे हाथ देना, देना। माधव रहने दो, कलश को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, जो अशुभ घटना था वो घट चुका है, पंडित जी यहाँ के विधि अनुसार पूजा कर लेंगे, हम घर चलते हैं। पता नहीं सब कुछ ठीक चल रहा था, ये लड़की कहाँ से आ गई? चलो माधव। अब चलिए मां, मैं आता हूँ। अरे उठ उठ, कितनी चोट लग गई। माधव बेटा, तुमने से पहचाना नहीं, ये तुम्हारे बचपन की दोस्त जिसे प्यार से तुम बावरी बुच कहते थे, वैदेही। ये यहाँ क्या कर रही है? तुम काका से क्या पूछ रहे हो? हाँ मैंने तुम्हारी बावरी पूछ, हम तुम्हें बताएंगे। वो क्या है ना कि दादी को जाना था चार धाम की यात्रा पर, और उन्हें चिंता थी कि उनके जाने के बाद मेरा क्या होगा, इसलिए उन्होंने मुझे काका के साथ भेज दिया। लेकिन मैं तो यहाँ नहीं आना चाहती थी। वो क्या है ना कि दादी का और पूरे गाँव वालों का मेरे बिना तो कोई काम चलता नहीं है, और हम तो अभी से सोच सोच के परेशान हो रहे हैं कि पता नहीं सुमित्रा काकी को अदरक मिली होगी या नहीं, दुर्जन काका की चारपाई में किसी ने पाए लगवाए होंगे या नहीं। मैं ही तो सारे काम करती थी, अब मैं नहीं हूँ तो पता नहीं कौन सारे काम कर रहा होगा। पर दादी चाहती थी कि मैं यहाँ आऊँ, इसलिए मैं यहाँ आ गई, और उन्होंने मुझे गणपति जी की ये मूर्ति दी और कहा कि अब से ये तुम्हें संभालेंगे, और फिर तुम्हें भी। तो अरे ये तो चला गया, कितना दुखी है ना मेरा दोस्त। चल बेटा हम भी चलते हैं। नहीं, माधव बुलाएगा अपने साथ जाने के लिए, हम तो तभी जाएंगे। आज भी स्किना गुस्से पकौड़े जैसी ही लगती है।
मेरा दोस्त पूछेगा, वो मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता। माधव जल्दी बोल। आप लोग भी आ जाइएगा, वैसे भी देर हो चुकी है।